राजस्थान विधानसभा में कामा विधायक नौक्षम चौधरी ने आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, पशुपालन, मत्स्य और देवस्थान पर चर्चा पर कई मांगे की। शेर और शायरी से अपना भाषण शुरू करने वाले नौक्षम ने सदन में भी गौ माता सहित कई बड़े मुद्दों को उठाया। इस दौरान बीजेपी विधायक चौधरी ने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के ब्रज क्षेत्र से हूँ, जो मेवात पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में गौ माताओं को लेकर बदनाम था। वही मेवात क्षेत्र के गांवों के सरपंच आज गायों के संरक्षण में उतर गए हैं। वही विधायक नौक्षम ने अपने क्षेत्र के अस्पतालों की दुर्दशा का भी जिक्र किया। सुनिए सदन में क्या बोली कामा विधायक नौक्षम चौधरी। ये जितने भी खूबसूरत चेहरे हैं मेरे तस्बीह के दाने हैं, ये जितने भी खूबसूरत चेहरे हैं मेरे तस्बीह के दाने हैं, निगाहें फिरती रहती हैं और इबादत होती रहती है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मांग संख्या 29, 37 और 47 पर आपने आज मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया है। राजस्थान प्रदेश अपने आप में अपनी इतिहास, अपनी विरासत, समृद्ध विशाल कथाएं, अपने शौर्य और अपनी एक ऐतिहासिक भूमिका के लिए जाना जाता है। आज इस सदन में जब हम बात रख रहे हैं, जो हिंदुस्तान का मरकज है, तीन ऐसे विषय जो हिंदुस्तान के मरकज में अपनी बहुत बड़ी भूमिका देते हैं, चिकित्सा, आस्था और गौ माता, ये एक ऐसा मिश्रण है जो हिंदुस्तान के अपने एक विचार में, अपनी सांस्कृतिक कला में, अपनी सामाजिक भागीदारी में बहुत बड़ी हिस्सेदारी देते हैं। तो आज इस अद्भुत मिश्रण पर आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया है, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे से पूर्व सभी सम्मानित विधायकों ने बहुत शानदार तरीके से, चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, कई तरह के सुझाव रखे हैं। एक बात बार बार आ रही थी कि सभी को गौ माता की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। गौ माता हमारे लिए सर्वोप्रिय है, सर्वोच्च है, पर उसमें जाति, धर्म, मजहब का क्या लेना देना है? ये तो मानव मनुष्य का कर्म है, ये तो इंसानियत का कर्म है। आपको एक इंसान होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते, एक मानव होने के नाते गौ माता की सेवा करनी चाहिए, किसी धर्म और जात में डालकर नहीं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देती हूँ। ब्रज मेवाड़ क्षेत्र से आती हूँ। पिछले गति कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, सालों से हम सुनते थे कि मेवाड़ में गौ हत्याएं बहुत हो रही है, गौकशी के बहुत सारे मुद्दे सामने आते थे। आज वही ब्रज मेवाड़ का क्षेत्र है और वही मेव समाज के सरपंच हैं जो एकजुट होकर गौकशी ना हो, गौ हत्या ना हो, एकजुट होकर पंचायत करते हैं। ये वही मेवात का क्षेत्र है जिस ब्रज को, जिस मेवात के क्षेत्र को, जिस ब्रज मेवात को आपकी सरकार ने जर्जर कर दिया था, बंजर कर दिया था। आज वहीं के लोग रहने वाले एक होकर ये कहते हैं कि इस इलाके में गौकशी नहीं होनी चाहिए, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। सर्वधर्म एक होकर गौ माता की पूजा करे, इबादत करे, जिस तरीके से भी चले। मेरे से पूर्व बहुत सारे विधायकों ने हर तरह की बात रखी। जब देवभूमि की बात आती है, देवस्थान की बात आती है, तो ब्रज का नाम अपने आप सामने प्रकट हो जाता है। जो कामा नगरी है वो चार युगों की नगरी है, 84 कोस, 84 मंदिर, 84 कुंड, 84 खंबे, एकजुट होकर ऐसी नगरी है जिसका एक संरक्षण मेवात अपनी तहजीब और संस्कार से भी करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो देवस्थान विभाग है, एक अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि इस सदन में तकरीबन 15 साल बाद देवस्थान विभाग की मांग रखी गई है। 15 साल बाद ये हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है, एक डिजिटल इंडिया में इंक्लूड करने का विजन है कि जहां पर 15 साल बाद
देवस्थान विभाग जो इतना राजस्थान प्रदेश के लिए इतना महत्वपूर्ण विभाग है, जहां राजस्थान की धरती पर इस जमीन पर इतने मंदिरों की, इतने देवालयों की हम बात करते हैं और 15 साल से उसकी मांग इस सदन में नहीं रखी गई, तो ये आप हमारी गत सरकार के विचार को इन्हीं बातों से समझ लीजिए। जितने रजवाड़े शासक रहे उन्होंने जो मंदिर बनाए, आज़ादी से पूर्व जो मंदिर बने, सभी की रख रखाव, देखभाल, उनकी मलकियत की खैर मद्दम करना, खिदमत करना देवस्थान विभाग का बहुत बड़ा कार्यभाव है। देवस्थान विभाग की एक अपना बहुत व्यापक रूप में वो अपने आप को पेश करता है, करोड़ों हजारों करोड़ों की संपत्तियां हैं, ना केवल राजस्थान में पर पूरे देश भर में देवस्थान विभाग की संपत्तियां हैं। पर उनकी क्या दिशा है, किस हिसाब से वो चल रहे हैं, मैं थोड़ा ध्यान आपका आकर्षण उस पर करना चाहूंगी। जैसे जयपुर घराना, जो जयपुर घराना के मंदिर हैं जो वृंदावन में हैं, उनके पास बहुत जमीन है, उस पर अतिक्रमण हुआ है। ऐसे ही जयपुर में जो बलदेव जी का मंदिर है जल महल के सामने, वहाँ पिछली सरकारों ने होटल आदि का निर्माण किया था लेकिन वो सब व्यर्थ हो गए हैं। गलता के कॉरिडोर का निर्माण महाकाल और विश्वनाथ के तर्ज पे किया जा सकता है। जोधपुर में राय रणछोड़ भगवान का मंदिर है, उसकी संपत्ति यहाँ बहुत सारे विकास कार्यों की संभावनाएं हैं। गुजरात के द्वारका धाम में बीकानेर राजघराने का मंदिर है, उसका पुनर्निर्माण करवा के उससे आप अच्छी आय देख सकते हैं, एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। उसी प्रकार से उत्तराखंड में उत्तराखाशी का मंदिर है, वहां पर सभी अन्य असामाजिक तत्वों ने कब्जे कर रखे हैं, अतिक्रमण कर रखे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से एक यहां पर बहुत बड़ी बात रखना चाहती हूं कि तकरीबन 7200 हेक्टेयर कृषि भूमि देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों में है, इन जिन पर आधे से ज्यादा हेक्टेयर पे अधिक्रमण हुआ है, भू माफिया उन पर अधिक्रमण करते हैं। जो विभाग के अधिकारी हैं उनकी उदासीनता के कारण वहां पर किसी भी तरह का कोई भी कब्जा मुक्त कराने की कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। मैं आपके माध्यम से इस मुद्दे को आपके सामने इस सदन में रखना चाहती हूं। उसके साथ साथ ऐसी कई सारी भूमियां हैं, ऐसे कई सारे देवस्थान के विभाग के मंदिर हैं जहां पर पुजारी वंशागुणत सेवा करते हैं और मंदिरों की कृषि भूमि के साथ ही पुजारियों को जागीरी भूमि प्रदान की गई थी, जिस पर पुजारी अपने गुजारे के लिए खेती करते हैं। उनको पुजारी किराए पे या गिरवी पे नहीं दे सकते ना कि बेचैन कर सकते हैं। देवस्थान विभाग की कृषि और चारागाह की भूमियों में से काफ़ी भूमियों का नामांतरण पुजारियों और अतिक्रमियों के नाम पे करवाया हुआ है। मेरी आपके माध्यम से ये एक अपील है कि जितनी भी वो अतिक्रमण हुए हैं, भूमाफियों ने अतिक्रमण किया गया है, उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उनको वहाँ से कब्जा हटाने की मांग रखती हूँ। मैं इस सदन में अपने ब्रज क्षेत्र से जो हमारे 84 मंदिर हैं, 84 खंबे हैं, 84 कोस है, वहाँ पर कामा कॉरिडोर के तहत एक विकास की बात रखने की यहाँ पर बात रखती हूँ। हमारे यहाँ पर पंचम पीठाश्वर गोकाकुल चंद्रमा मंदिर है, साथ साथ सत्यम पीठाश्वर मदन मोहन मंदिर है, नरसिंह भगवान का मंदिर है, इनको देवस्थान विभाग के तहत इनका विकास किया जाए, इनके आगे इनकी वृद्धि की जाए, ये मैं आपसे डिमांड रखती हूँ। साथ में ही ये डिजिटल इंडिया का युग है, हम चाहते हैं कि जो राजस्थान प्रदेश की पौराणिक कथाएँ हैं वो युवा पीढ़ी तक जानी चाहिए, युवाओं को पता लगना चाहिए कि यहाँ पर ये जितने बड़े बड़े महल हैं, जितने बड़े बड़े शासक रहे हैं, इनकी शौर्य गाथाएं क्या है। कि मैं चाहती हूँ आपके माध्यम से देवस्थान विभाग को या शिक्षक विभाग से जोड़कर उसी तरीके से वहाँ पर गुरुकुल खोले जाएं, गुरुकुल के माध्यम से उन बच्चों को अपनी संस्कृति, अपनी तहजीब के साथ जोड़कर उनको अपनी पीढ़ियों का जो हमारी शौर्य गाथा है उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए। उसके साथ साथ जो विज्ञापन है, एडवर्टिजमेंट है, इनको प्रचार प्रसार में लेना चाहिए देवस्थान विभाग से, ताकि उनसे रेवेन्यू जनरेट हो सके। पर ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा विज्ञापन है वो सनातन धर्म में उसका उपयोग हो, प्रयोग हो, इसकी भी मैं यहाँ पर आपसे एक उम्मीद रखती हूँ। हमें बहुत सारे आध्यात्मिक केंद्रों का निर्माण करना चाहिए जिनको हमें
टूरिज्म डेवलपमेंट के साथ लेकर, देवस्थान को टूरिज्म डेवलपमेंट के साथ लेकर इनको आगे इनका निर्माण करना चाहिए। और मैं इसी माध्यम से आपके ये भी रखना चाहती हूँ कि अगर हम अपने गुरुकुलों का डिमांड करेंगे, गुरुकुलों को देवस्थान के साथ जोड़ेंगे, आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को देवस्थान विभाग के साथ जोड़ेंगे, कला और पर्यटन को देवस्थान विभाग के साथ जोड़ेंगे, जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, जो इतने सालों से किसी के माध्यम से नहीं हो पा रहा है, उनको हमें रेवेन्यू जनरेट करने का भी मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं अपने क्षेत्र की एक डिमांड रखना चाहती हूँ, हमारे पशु विभाग से जो चिकित्सालय है उसमें ना तो कोई चिकित्सक है ना ही कोई स्टाफ है। और आपके माध्यम से मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि जो हमारे विभाग में आने वाले डॉक्टरों की नियुक्ति हो, ताकि जो जितने भी हमारे पशु हैं जो वहाँ पर उपचार अपना करा सकें, मैं आपके माध्यम से ये वो रखती हूँ। दूसरा मैं ये भी रखना चाहती हूँ कि आप देवस्थान विभाग के सारे आसपास के आपके विभागों के साथ, शिक्षा विभाग, कलाकृति विभाग, पर्यटन विभाग, और इनके रेवेन्यू के साथ इसको जोड़कर रेवेन्यू जनरेट करने का सोचें, ताकि जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी जो इस प्रदेश की है, वो अपनी गाथाओं को समझ सके और आगे चल सके।